लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर बाइक के दिव्य मिशन को कंप्लीट करने के लिए मोयो एक काफी बड़े टीरेंट डेजर्ट डंजन में आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाने के बाद मोयो को एक ओसिस दिखता है जहाँ पेड़ पे एक प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। इसको खाने के बाद मोयो के स्पिरिट स्टैट बढ़ रहे होते हैं। मोयो ने इनका यूज करके 3 मेज सिल्वर स्केल्टन वॉरियर्स को बना दिया होता है। इन 3 मेज स्केल्टन के पास अलग अलग स्किल है, एक फ्लेम बर्स्ट, दूसरा थंडर बोल्ट और तीसरा टोर्नेडो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काफी सारे स्कॉर्पियन मॉन्स्टर भी यहाँ पे आ रहे होते हैं। अब ये मेजेस उनको खत्म करना शुरू कर देते हैं। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और भी मॉन्स्टर यहाँ पे आ ही रहे होते हैं। मोयो ने अपने 130 स्केल्टन वॉरियर्स और 70 मेजेस को समन किया है और अब इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। मोयो कॉर्स एक्सप्लोजन का यूज करके सारे ही मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मोयो को काफी सारा EXP मिल जाता है, लेकिन अभी वो देखते है कि भाई मॉन्स्टर आना बंद हो चुके हैं। ये देख के मोयो कहता है, क्या और नहीं है? अरे यार, मैंने अपनी दूसरी स्किल को अभी लेवल अप नहीं किया है, और मॉन्स्टर होती तो कितना अच्छा होता। स्केल्टन वॉरियर्स और मेजेस अब सिल्वर लेवल के हैं, तो अब मोयो सीधा डंजन के बॉस को निपटाने की सोचता है। लेकिन तभी उसके पीछे से बहुत सारे एंड मॉन्स्टर आ जाते हैं। मोयो तुरंत स्केल्टन आर्मर को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि ये डेजर्ट सोल्जर एंट्स है। मोयो जंप लगा के एक एंट के पीठ पे बैठ जाता है और इन एंट्स के नेट्स में आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लाइंग एंट्स भी है जो की एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इलाइट मॉन्स्टर है। मोयो अपने मन में कहता है, फ्लाइंग एंट्स को क्वीन एंट्स की पर्सनल आर्मी में कंसिडर किया जाता है। लगता है आसपास ही क्वीन है। फ्लाइंग एंट मोयो पे अटैक करती है, पर मोयो अपने स्केल्टन आर्मर की वजह से इस अटैक से बच जाता है। लेकिन मोयो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मोयो अपने 2 स्केल्टन मेजेस से फ्लाइंग एंट को खत्म कर देता है। उसके बाद वो उनसे कहता है, सारे वॉरियर्स क्वीन एंट कहाँ पे ढूंढो, मेजेस और मैं इनको संभाल लेंगे। मेजेस 5 फ्लाइंग एंट्स को खत्म कर देते हैं। आगे स्केल्टन वॉरियर क्वीन को भी ढूंढ लेते हैं। मोयो सीधा क्वीन के पास आ जाता है। क्वीन का लेवल 29 और स्ट्रेंथ 9000 है। साथ ही यहाँ पे क्वीन के एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इलाइट मॉन्स्टर भी होते हैं। इनको देख के मोयो कहता है, क्या यार, मुझे लगा था कि ये चैलेंजिंग बॉस होगा। मोयो अपने सोल्जर को अटैक करने को कहता है, लेकिन तभी क्वीन बॉस स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक स्किल का यूज करती है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है। मोयो कहता है, एक ऐसी स्किल जो मेरे सोल्जर की तरह स्ट्रॉन्ग है। अच्छा हुआ मेरे पास स्केल्टन आर्मर है। मोयो के मिस स्केल्टन वॉरियर क्वीन के पर्सनल गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। मोयो के स्केल्टन वॉरियर्स क्वीन पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन क्वीन बॉस सोनिक वेव अटैक से स्केल्टन वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके बाद वो अपने एंड्स को बुलाने लगती है। मोयो देखता है कि काफी सारे एंड्स यहाँ पे आ रहे थे, पर मोयो कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करके सबके साथ बॉस क्वीन को भी खत्म कर देता है। मोयो को काफी सारे रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं जिनको वो बाद में गोल्ड में एक्सचेंज करने के बारे में सोचता है। आगे हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। मोयो मेन बॉस के एरिया में आ जाता है। इस बॉस का नाम लायन टीरेंट है और ये एक वर्ल्ड लेवल लीडर है। आगे हम यहाँ के लायन आर्चर और लायन वॉरियर की स्टेट्स को दिखाया जाता है। इनके स्टेट फ्लाइंग एंड से भी ज्यादा होते हैं। मोयो सिकल का यूज करके हीरो जनरल को समन करता है। हीरो जनरल मिलिट्री इन्फ्लुएंस स्किल को एक्टिवेट कर देता है। मोयो हीरो जनरल से कहता है, मेरे विल को फॉलो करो और मेरे सोल्जर को लीड करो, जाओ उनको खत्म करो। स्केल्टन वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं। सामने से लायन आर्चर्स अपने 100 आर्चर स्किल से स्केल्टन पे हमला कर देते हैं, लेकिन स्केल्टन आराम से इस एरोस को ब्लॉक कर देते हैं। थंडर वाला मेज अंदर के आर्चर पे हमला कर देता है। आर्चर वाले मॉन्स्टर कासल के अंदर होते हैं, इसलिए मोयो इन पे कॉर्स एक्सप्लोजन यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उसके रेंज से दूर थे। लेकिन आगे हम देखते कि स्केल्टन वॉरियर रेज स्ट्राइक का यूज करके लायन सोल्जर को खत्म करने लगते हैं। ये कासल के बाहर होते हैं तो मोयो इन पे कॉर्स एक्सप्लोजन को यूज कर सकता है। मोयो इनको बाद में यूज करेगा। हम देखते कि आधे मेजेस दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन काफी समय हो जाता है लेकिन दरवाजे पे कुछ असर नहीं होता। ये देख के मोयो अपने मन में कहता है, लगता है अब मैं समझ गया कि एक लार्ज टेंशन क्या होता है। बॉस से मिलने के लिए पार्टी दरवाजे को ओपन करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढती होंगी। मोयो स्केल्टन से सारे लायन सोल्जर की कॉर्प्स को दरवाजे को सामने रखने को कहता है और इसके बाद मोयो कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करता है और हम देखते हैं कि दरवाजा टूट जाता है। मोयो सीधा बॉस के रूम में आ जाता है। हम देखते हैं कि भाई ये बॉस तो काफी ज्यादा जायंट है। बॉस फ्यूरी पॉन स्किल का यूज करके एक जंप लगाता है और 3 सिल्वर ग्रेड के स्केल्टन वॉरियर्स खत्म हो जाते हैं। मोयो स्केल्टन को बॉस को रोकने को कहता है। थंडर वाला मेज स्केल्टन पे थंडर का यूज करके उसको पैरालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बॉस कोई हलवा नहीं है, इससे बॉस पे कुछ भी असर नहीं होता। आगे बॉस रिवॉल्विंग स्टॉर्म स्किल का यूज करके 24 सिल्वर ग्रेड स्केल्टन वॉरियर्स को खत्म कर देता है। मोयो कहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, नाइट प्रोफेशन भी इतने पावर को संभाल नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। मोयो स्लोकर्स का यूज करता है, लेकिन बॉस भी अपने हिल रोल स्किल का यूज करता है और फिर से 14 स्केल्टन
वॉरियर्स खत्म हो जाते हैं। हम देखते कि इस रोड से मोयो का स्केल्टन आर्मर भी टूट जाता है। हम देखते कि बॉस फिर से फ्यूरी पाउंड स्किल का यूज करता है और मोयो पे जंप लगा रहा होता है। मोयो अपने मन में कहता है, मेरे पास डैमेज ट्रांसफर है इसलिए मैं डरा नहीं हूँ, लेकिन मैं हिचकिचा रहा हूँ। अगर इससे मेरे सारे स्केल्टन वॉरियर्स खत्म न हो जाए मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मोयो सोल ब्लेस का यूज करके बॉस को नीचे गिरा देता है। मोयो को चांस मिल जाता है, वो तुरंत स्केल्टन वॉरियर्स को अटैक करने को कहता है। मिस स्केल्टन वॉरियर्स दूर से बॉस पे हमला करना शुरू कर देते हैं। बॉस उठ जाता है। स्केल्टन वॉरियर्स हमला कर ही रहे थे पर बॉस चार स्केल्टन वॉरियर्स को खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि मोयो लगातार ही सोल ब्लेस का यूज कर रहा था। वो कहता है, मैं सिर्फ सोल ब्लेस से नहीं रोक सकता, अगर अभी मेरे मेजर सिल्वर ग्रेड पे अपग्रेड नहीं होते तो मैं मारा जाता। सारे मेजर्स अपनी पूरी ताकत से बॉस पे हमला कर देते हैं। हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कि बॉस खत्म हो जाता है। मोयो का लेवल भी अप हो जाता है। उसके लेवल अप होने से उसके स्केल्टन मेजर्स का भी लेवल अप हो जाता है। ये देखने के बाद मोयो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। उसे समझ में आ जाते कि अगर अब से वो फ्यूचर में अपनी सारी स्किल को सीख जाएगा तो उसके स्केल्टन मेज भी उसके साथ लेवल अप होते रहेंगे। आगे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे 6 बेल्स बज जाती है। प्लेयर्स कहते हैं, अरे 6 बेल्स बची हैं, काफी समय हो गया जब 6 बेल्स को बजते हुए सुना है, इसका मतलब है कि लार्ज डंजन में किसने रिकॉर्ड को सेट किया है। अरे ये किसने किया है भाई। हम देखते कि यहाँ पे बाली अकेडमी के हेड मास्टर का ग्रैंडसन बाई लिशिंग आ जाता है। वो कहता है, लगता है रिकॉर्ड हमारे बाली अकेडमी ने सेट किया है। बंदे कहने लगते हैं, मुझे याद है लिन मोयो भी अंदर गया है, क्या वो हो सकता है। ये सुन के लिशिंग कहता है, लिन मोयो ये कौन है, ये कौन से अकेडमी से है और किस पार्टी से है। हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई और भी है जो हमारे साथ कम्पीट करने की हिम्मत किया है। एक बंदा लिशिंग को मोयो के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन के लिशिंग हंसने लगता है और वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने, वो अकेला है। अरे क्या यार, हम जिस डंजन की बात कर रहे हैं वहाँ पे 40 लोग जा सकते हैं और वो अकेला गया है। बेवकूफ कहीं का, क्या उसे अपने लिमिट्स पता नहीं है। एक प्लेयर कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, उसने ऑलरेडी 3 डंजन में न्यू रिकॉर्ड सेट किया है। लिशिंग कहता है, 2 लो लेवल के डंजन में नया रिकॉर्ड सेट करना उसमें इतनी क्या बड़ी बात है। हाँ अभी वो सिर्फ लेवल 20 पे होगा और बड़े डंजन को क्लियर करना कोई हलवा नहीं है, लेकिन इस बार हमने ही नया रिकॉर्ड सेट किया होगा। तभी हॉल में मैसेज आता है कि टेरेन का हर्ड भी स्पॉन हो गया है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, अरे टेरेन का हर्ड भी स्पॉन हुआ है, मैंने सुना है कि लायन टेरेन बॉस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और अगर उसे 1 घंटे के अंदर मारा नहीं जाएगा तो टेरेन का हर्ड ड्रॉप नहीं होता। भले ही मैं लिन मोयो का फैन हूँ पर मुझे लगता है कि इस बार बाली अकेडमी ने ही रिकॉर्ड को सेट किया है। लुशन काफी ज्यादा ही खुश हो गया था। वो कहता है, हमने बस रिकॉर्ड को ही सेट नहीं किया है, हमें टेरेन का हर्ड भी मिला है। तभी बोर्ड में लिखा आता है कि लिन मोयो ने टेरेन डेजर्ट डंजन को 14 घंटे 11 मिनट में कम्प्लीट कर दिया है। ये देखने के बाद लुशन की बैंड बज जाती है और वो कहता है, क्या फुल लिन मोयो। आगे मोयो डंजन से बाहर आ जाता है। प्लेयर्स कहते हैं, ओ देखो वो आ गया है, यार यकीन नहीं हो रहा सच में इसने किया है, एक बंदा जिसने इतने बड़े डंजन को सोलो कर दिया और नया रिकॉर्ड भी सेट कर दिया। लुशन मोयो से कहता है, अच्छा तो तू है लिन मोयो। हाँ मोयो को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये गधा उसके सामने कौन है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। आगे मोयो मास्टर बॉय को कॉल लगा के उनसे कहता है, मैंने टेरेन को हरा के हर्ड को ऑब्टेन कर लिया है। मास्टर बॉय मोयो को अच्छे से सुनते ही नहीं। वो कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई पार्टी नहीं मिली। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई पार्टी नहीं मिलती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लोगों को रिकमेंड करता हूँ। एक मिनट, अभी तुमने क्या कहा। मोयो फिर से बताता है कि उसने टेरेन को हरा के हर्ड को ऑब्टेन कर लिया है। मास्टर बॉय बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं, क्या बंदा है ये, मैंने इसे टास्क दिए हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और इसने कंप्लीट भी कर दिया। मोयो अभी तुम कहाँ पे हो। मैं अभी अपने रूम के सामने हूँ। आगे हमें सीधा कॉल को कट किया हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद मोयो को एक नोटिफिकेशन आता है, टेरेन डेंजर को क्लियर करने की वजह से उसे 5000 पॉइंट और 30 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिल जाते हैं। आगे मास्टर बॉय मोयो को टेलीपोर्ट करके मास्टर मेंग के पास लाते हैं और उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मोयो मास्टर मेंग को ग्रीटिंग्स करता है। मास्टर मेंग कहते हैं, आ जाओ बैठ जाओ, ये फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है। मास्टर बॉय मोयो को टेरेन के हर्ड को निकालने को कहते हैं। मास्टर मेंग हर्ड को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो वही है। लिन मोयो क्या तुमने इस बार भी सोलो क्लियर किया। मोयो हाँ कहता है। मास्टर बॉय कहते हैं, तुम्हें क्लियर करने में कितना समय लगा। लगभग 14 आवर्स। ये सुन के मास्टर बॉय और मास्टर मेंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर मेंग मास्टर बॉय को अपना प्रॉमिस निभाने को कहते हैं। मास्टर बॉय मोयो को कूल डाउन तालिस्मान दे देते हैं। मोयो अपने मन में कहता है, अब मेरे लेवल अप होने की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। मास्टर बॉय मोयो से कहते हैं, मोयो क्या तुम क्रिएशन सेरेमनी के लिए जल्दी में हो। हाँ मुझे काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए। मास्टर बॉय मोयो को एक और टास्क देते हैं, हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन
अभी हमें बताई नहीं गई है, लेकिन आगे हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। मोयू मास्टर बाई से पूछता है, क्या मैं युवन बटिल फिल्म में भी इसका यूज कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तो क्या तुम इस टास्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मोयू अपने मन में कहता है। लगता है अब मुझे तेजी से कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है मोयू, जाके रेस्ट कर लो, सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बैटल फील्ड में भेज दूंगा। मोयू थैंक्स कह के यहाँ से निकल जाता है। मास्टर मैंग कहते हैं, क्या इतनी जल्दी उसे वहाँ पे भेजना ठीक होगा? मास्टर बाई कहते हैं, आपने ऑलरेडी लिया है, वो अकेला ही बड़े डिजिन को सोलो कर सकता है। वो बस लेवल 20 पे है, पर उसकी स्किल कोई जिसने अपने प्रोफेशन को दुगने से इवॉल्व किया है उससे भी कई ज्यादा है। जितना जल्दी वो वहाँ पे जाएगा उसके लिए बेटर होगा, मास्टर मैंग कहते हैं। और तुमने उसे ये नहीं बताया है कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा एनिमी भी वही पे है? आगे हम देखते कि मोयू सो जाता है। वो अपने मन में कहता है, मैं पहले सो जाता हूँ और कल मैं दूसरी स्किल को भी लेवल अप करने के लिए टीरन डंजन में जाऊंगा। आगे हमें बाली एकेडमी के लीडर को दिखाया जाता है। वो अपनी टीम के साथ डंजन से बाहर आगे होते हैं। उसे देख के प्लेयर्स कहते हैं, देखो तो वो कितने खुश दिख रहे हैं, ये मत कहना कि इनको लगता है कि इन्होंने नया रिकॉर्ड सेट किया है। बाली एकेडमी के बंदे कहते हैं, हमने डंजन को 15 घंटे 48 मिनट में क्लियर कर दिया है, इसका मतलब नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। तभी टीम में से कोई कहता है, लीडर एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो गड़बड़ है, हमें टीरन का हर्ट नहीं मिला है, तो वो किसे मिला है? लीडर देखता है कि लिन मोयू ने 14 घंटे में ही डंजन को क्लियर कर दिया है। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये तो वही है, नामुमकिन, ये नामुमकिन है, वो बस 21 लेवल का है, उसने हमसे पहले डंजन को कैसे क्लियर कर दिया? लीडर पहले यहाँ से चलते हैं, दूसरे प्लेयर्स कहने लगते हैं। लिन मोयू बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, वाली एकेडमी उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोयू फिर से डंजन हॉल में आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, अगर मुझे फिर से ओसिस फ्रूट मिलेंगे तो मैं अपने स्लो कर्स और स्केल्टन आर्मर को लेवल अप कर सकता हूँ। तभी मोयू के पास एक बंदा आ जाता है और वह कहता है, क्या तुम लिन मोयू हो? बाली एकेडमी के हेडमास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो मेरे साथ आ जाओ। लेकिन हम देखते कि मोयू इसे जरा सा भी भाव नहीं देता और वो आगे जाने लगता है। ये देख के वो बंदा कहता है, क्या तूने अभी मुझे इग्नोर किया? बहुत ही शाना बन रहा है, क्या तुझे पता भी है कि लुशियन भाई तुझसे मिलना चाहते हैं? मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मुझे देखना चाहता है तो उसे कहो कि वो खुदा के मुझसे मिले। मोयू टीरन डंजन के सामने आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, डंजन को रिसेट करके फिर से अंदर जाने के लिए 2500 पॉइंट लगेंगे। यहाँ पे मोयू को देख के सभी प्लेयर्स कहने लगते हैं, अरे देखो वो लिन मोयू है ना, क्या वो फिर से टीरन डेजर्ट को क्लियर करने के लिए जा रहा है? अब उसको डंजन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो क्या वो फिर से नया रिकॉर्ड सेट करने के लिए जा रहा है? मिस शुहान, मेरा टास्क अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, क्या आप लिन मोयू को उसके साथ हमें डंजन के अंदर ले जाने के लिए कहेंगे? अगर आप ऐसा करेंगी तो हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हाँ प्लीज, हम उसको पॉइंट्स भी पे करेंगे, अब जबकि वो सोलो क्लियर कर सकता है तो यकीनन वो उसके साथ हमें लेके जाएगा, हम उसको पॉइंट्स से पे करेंगे, शुहान कहती है। अरे क्या तुम लोग? प्लीज मिस शुहान, हमें ईएक्सपी इक्विपमेंट और मटेरियल्स कुछ भी नहीं चाहिए, शुहान कहती है। ठीक है, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, वो लुशियन से कहता है, बॉस लिन मोयू ने आने से मना कर दिया है और कहा है कि आप खुद उसे मिले। लुशियन कहता है, ओ साला कमीना, मुझे पता है था कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, टीरन डेंजर को क्लियर कर दिया है तो खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझ रहा है, वो सेकंड जॉब चेंज को नहीं समझता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी वो कितना स्ट्रांग है, सेकंड अवेकनिंग में शायद वो बेकार बन जाए। अगर वो मिलना नहीं चाहता तो छोड़ो उसको, अगर वो तुमको बाहर कहीं दिख जाए तो उसको सबक सिखाना। हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ शुहान ने मोयू को सब बता दिया होता है। आगे वो कहती है, तो ऐसा है जूनियर ब्रदर लिन, सभी एकेडमी दिव्य टास्क को पूरा करना चाहते हैं। लिन मोयू प्लीज हमें अपने साथ ले जाओ, प्लीज एक बार लेके जाओ, बस एक बार, मैं टास्क को कंप्लीट करना चाहती हूँ, मैं 1000 पॉइंट्स पे करूंगी। हाँ भाई, हम भी 1000 पॉइंट्स पे करेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मोयू काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है क्योंकि उसको टास्क के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो शुहान से कहता है, तो ये डंजन टास्क है? हाँ। शुहान कहती है, ये तो डंजन टास्क है जो की अकेडमी ने इश्यू किया था, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं? हाँ मुझे इसके बारे में पता नहीं क्योंकि मैं नया स्टूडेंट हूँ। ये सुन के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ भी आ जाता है कि मोयू का लेवल इतना कम क्यों है। और ये बंदे कहने लगते हैं, भाई हम बहुत समय से टीरन डंजन के टास्क में बस गए हैं, अगर हम इसे कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम एकेडमी में नहीं जा पाएंगे, हमें ईएक्सपी इक्विपमेंट या मटेरियल कुछ भी नहीं चाहिए, हम बस डंजन को क्लियर करना चाहते हैं, हमें अपने साथ ले चलो, हम तुमको पॉइंट्स पे कर सकते हैं, मैं तुमको 1000 पॉइंट्स दूंगा, मैं भी 1000 पॉइंट्स दूंगा भाई, मोयू मन में कहता है। काफी सारे सामान खरीदने के बाद मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है और डंजन के अंदर जाने के लिए 2500 पॉइंट्स लगेंगे, अगर 1000 एक पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो मुझे 39,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे।
मोयू सभी से कहता है, ठीक है मैं तुम लोगों को हेल्प करूंगा, अकॉर्डिंग के अनुसार तुम सभी को 1000 पॉइंट्स पे करने होंगे। सभी मोयू के बात को मान जाते हैं। आगे मोयू सभी से कहता है, लेकिन एक बात सुनो, किसी को ओसिस फ्रूट मिलेगा तो वह सिर्फ मेरा होगा। हम देखते हैं कि ओसिस फ्रूट का नाम सुनने के बाद ये सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक कभी भी ओसिस फ्रूट को देखा तक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। सभी मोयू से कहते हैं कि अगर उनको फ्रूट मिलता है तो वो उसे ही देंगे। डंजन में एक टाइम पे सिर्फ 40 लोग ही जा सकते हैं, तो मोयू किन 40 लोगों को आना है वो पूछता है। यह सुनते ही यहाँ पे काफी ज्यादा शोर होने लगता है, सभी मैं कहने लगते हैं। तभी शुहान सभी को लाइन लगाने को कहती है। मोयू शुहान को थैंक्स करता है। आगे मोयू के साथ 39 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। मोयू सभी को उसको फॉलो करने को कहता है। सभी मान जाते हैं। मोयू स्केल्टन वॉरियर्स को समन करता है और उन्हें ओसिस फ्रूट ढूंढने के लिए भेज देता है। इतने सारे समन को देखने के बाद स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई ये क्या है, क्या ये लीन मोयू के समन है? अरे हाँ यार, हैरानी की बात नहीं है, वो एक नेक्रोमांसर है, ये सभी अंडेड है, लेकिन फिर भी देखना भाई ये कुछ ज्यादा ही नहीं है, क्या ही खतरनाक है भाई, पक्का इसका प्रोफेशन लेजेंडरी है ना। तभी स्केल्टन वॉरियर एक मॉन्स्टर को वन शॉट कर देता है। स्टूडेंट ये देख रहे थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या वन शॉट? उस घोस्ट ट्री को खत्म करने के लिए मेरे पार्टी को 2 मिनट लग जाते हैं। अभी मोयू पार्टी के साथ आया है तो एक्सपी 39 लोगों में भी बट रहा था, इसके वजह से उसे काफी कम एक्सपी मिल रहा होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी वो अपनी स्किल को लेवल अप करने के लिए यहाँ पे आया है, तो अभी इससे उसको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे मोयू ओसिस के पास आ जाता है, पर हम देखते हैं कि इस बार यहाँ पे ट्री पे फ्रूट्स नहीं होते। मोयू आसपास के सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसके बाद वो सभी से कहता है, मैंने आसपास के लगभग सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है, मैं एंट के नेस्ट को क्लियर करने के लिए जाता हूँ, तब तक तुम लोग यहीं पे रुकना। सभी यहाँ पे रुक जाते हैं। मोयू आगे निकल जाता है। हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कहता है कि उन्हें हम मॉन्स्टर पे अटैक करें, लेकिन मोयू ने उनका काफी आसानी से खत्म कर दिया, शायद यहाँ के मॉन्स्टर उतने मुश्किल ना हो, क्या हमें ट्राई करना चाहिए? प्रोफेशनल होने के नाते हमारा लेवल उससे ज्यादा है, यकीनन हम मॉन्स्टर को खत्म कर पाएंगे, है ना? हाँ यार चलो देखते हैं। 2 मिनट बाद हम देखते हैं कि इनके बीच 2 मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये सभी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक बंदा शील्ड को बनाता है, पर स्कॉर्पियन मॉन्स्टर एक ही फॉर्म में उसकी शील्ड को तोड़ देता है। ये देखिए सभी समझ जाते हैं कि भाई ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एक लड़की घायल हो जाती है, हालांकि हीलर उसे हील करने लगता है। लड़की मॉन्स्टर पे हमला करने को कहती है। कुछ बंदे मॉन्स्टर पे हमला करते हैं पर वो मॉन्स्टर को कुछ खास डैमेज नहीं दे पाते, फिर भी ये लोग काफी ज्यादा कोशिश करते रहते हैं। हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन लोगों ने 2 मॉन्स्टर में से एक को खत्म कर दिया होता है। इनको समझ आ गया है कि भाई मॉन्स्टर हद से ज्यादा स्ट्रांग है और लीन मोयू इनसे ही फाइट कर रहा था। अभी इन्होंने एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है तो उसका एक्सपी मोयू को भी मिल जाता है। मोयू समझ जाता है कि वो लोग शान पट्टी करना शुरू कर दिए हैं। आगे हम देखते हैं कि इनके सामने दूसरा भी मॉन्स्टर आ जाता है और ये सभी अभी बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। मॉन्स्टर इन पे अटैक करने के लिए आ ही रहा था कि यहाँ पे स्केल्टन वॉरियर आ जाता है और वो मॉन्स्टर को वन शॉट कर देता है। ये देखने के बाद सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ ही इनको समझ में आ जाता है कि मोयू की स्केल्टन की स्ट्रेंथ क्या है। आगे इन सभी को अचानक से ही बहुत ही ज्यादा ईएक्सपी मिलने लगता है। ये लोग समझ जाते हैं कि अभी मोयू बॉस के एरिया में होगा। इन लोगों ने सुन के रखा है कि यह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंट क्वीन मॉन्स्टर है। आगे हमें मोयू की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करके क्वीन एंट को खत्म कर देता है और इन सभी को नोटिफिकेशन आ जाता है कि क्वीन एंट खत्म हो गई है। ये देख के वो बंदा कहता है, क्या क्वीन एंट खत्म हो गई? अरे यार ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हुआ? आगे हम देखते हैं कि मोयू यहाँ पे आ जाता है और वो सभी से कहता है कि चलो अब हमें सीधा टीरन के कासल की तरफ जाने वाले हैं। आगे एक कासल के एरिया में आ जाते हैं। वहाँ की आर्मी को देख के ये सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सभी मोयू से थोड़ा दूर रुक जाते हैं। मोयू कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करके दरवाजे को तोड़ देता है। मोयू के सामने टीरन लीडर बॉस आ जाता है। मोयू सीधा सोल ब्लेस का यूज करके स्केल्टन वॉरियर के साथ उसे खत्म करने लगता है। पीछे से ये सब देख रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा कहता है, मोयू के सामने वर्ल्ड लेवल बॉस नॉर्मल क्यों लग रहा है? बॉस के साथ फाइट करते समय मोयू एकदम रिलैक्स्ड है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी खुद से बॉस को हरा सकता हूँ। ठीक है चौकी चेक कर ले। मैं आशा करता हूँ कि तू तेरे पैंट पे मूत ना दे। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। मोयू ने बॉस को हरा दिया होता है। स्टूडेंट बेचारे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका टास्क कम्प्लीट हो गया है। ये सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट मोयू को थैंक्स कहने लगते हैं। बाहर हम देखते हैं कि लुशिंग ने अपने एक बंदे को मोयू को फॉलो करने के लिए कहा होता है। लुशिंग देखना चाहता है कि मोयू अकेले इंटेंशन को कैसे क्लियर करता है। अगले 39 बंदों में ये बंदा भी आ जाता है। हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मोयू ओसिस के पास आ जाता है और इस बार यहाँ पे उसको फ्रूट मिल जाते हैं। ये देख के मोयू अपने मन में कहता है, फाइनली अब मैं स्केल्टन की स्किल को लेवल अप कर सकता हूँ। यहाँ पे मॉन्स्टर्स
आ जाते हैं। स्केल्टन वॉरियर्स इनको खत्म करते हैं। इसके बाद हमें सीधा बॉस को दिखाया जाता है। मोयो बॉस को खत्म कर देता है। ये सभी बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लोशन के बंदा अपने मन में कहता है, अरे यार ये लीन मोयो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे बॉस को ये सब बताना होगा। बंदा लोशन के पास आ जाता है और उसे मोयो के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुन के लोशन कहता है, अच्छा तो वो बड़ा डैमेज करने के लिए कॉर्प को यूज करता है और उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्केल्टन की आर्मी है। हाँ, इसका मतलब अगर हम उसके समन को रोकते हैं और आसपास कोई भी कॉर्प ना हो तो बेसिकली वो यूजलेस होगा। हर प्रोफेशन में कोई ना कोई कमजोरी होती ही है। लगता है उसकी कमजोरी ये है। क्योलोंग अकेडमी से चेन लिंग को ढूंढो और उसे कहो कि मुझे उसे कुछ बात करनी है। आगे हमें जिया जुई को दिखाया जाता है। वो कहती है, जिया जिंग अकेडमी में काफी सारी अमेजिंग चीजें हैं पर बुरा है उन सभी को खरीदने के लिए काफी ज्यादा पॉइंट्स लगते हैं तो मैं उनको खरीद नहीं पाऊंगी। उस डमी लिन को 30,000 पॉइंट्स मिले हैं, इससे प्रोबेबली उसे जो चाहिए वो खरीद सकता है। प्रिंसिपल लू से मैंने सुना कि वो कुछ दिन पहले ही एकेडमी में आया है, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, लेकिन उसके स्किल्स को देखा जाए तो यकीनन वो ठीक ही होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।